दोस्तों एग्जाम के लिए आई नो बहुत सारे दिन बचे हैं, बस 4 दिन आपके पास बचे हैं और 4 दिन बाद हमारे एग्जाम्स हैं। आज हम बात करेंगे एग्जाम मोटिवेशन की, कुछ FAQs की जो भी मेरे पास मेल्स आई हैं बच्चों की, उसके बाद बात करेंगे ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप्स की, और फिर बात करेंगे जो बस ग्रुप 2 ही दे रहे हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा आगे निकाल सकते हैं, अपने मैटर की चीज देख सकते हैं, या फिर एक पूरी वीडियो देखेंगे तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी हम आज डीप बात भी करने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो पहली बात हम बात करते हैं एग्जाम मोटिवेशन की। एग्जाम मोटिवेशन पे बस 2 चीजों पे ध्यान दीजिए। पहली चीज तो ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिलती है, प्लीज उसे लें। मोटिवेशन इतनी हाई रखें कि ये ना सोचें कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, यार एग्जाम सर पे आ रहे हैं, यार क्या करूं, यार ये वो, कुछ नहीं। बस मोटिवेशन ये है, कहीं भी पेन और पेपर पकड़ें, ज्यादा लोगों से डिस्कस ना करें कि मेरे एग्जाम आ चुके हैं मैं क्या करूं, पेन पेपर पकड़ें, अपने आप से बातें करें, अपने आप जब भी टेंशन हो तो लिखना शुरू कर दे, गुड मार्क्स, पास 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 पास। ये बहुत अच्छा तरीका है गुड मार्क्स, एक पॉजिटिव एफर्मेशन अपने अंदर क्रिएट करने का, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का, जिससे आप इजीली पास हो सकते हैं। सेकंड चीज है फियर, डर बनाए रखें। अब आप कहोगे ये क्या है मास्टर, डर बनाए रखें, आप तो कह रहे थे कि डरे मत एग्जाम के लिए और डर बनाए रखें। ये वो डर नहीं है दोस्तों, ये है फ्यूचर का डर। मतलब ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपसे कोई बच्चा डाउट पूछ ले और आपको कुछ ना आता हो, आपका कोई क्लाइंट आपसे कुछ पूछ ले, तो ये ना हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपको ये भी ना होता हो, इवन या एक आर्टिकलशिप में आप काम कर रहे हो आपको कुछ भी ना आता हो, तो ऐसा ना होने दें। डर बनाए रखें कि यार ये ना हो कि मैं ये पढ़ के ही ना जाऊं, एग्जाम के लिए ना पढ़े, एग्जाम से ज्यादा हद तक पढ़े इस चीज के लिए कि कल को मेरा मोरल डाउन कहीं और ना हो जाए। तो ये 2 चीजें हैं, मोटिवेशन और फियर। मोटिवेशन तो आप हर जगह से निकालने की कोशिश करें। अभी मोटिवेशन की अभी बात चली है, आगे हम वीडियो में और बताएंगे मोटिवेशन के बारे में। अभी बात है ग्रुप FAQs की। पहला FAQ है ग्रुप स्टडी। एग्जाम टाइम में ग्रुप स्टडी को तो बिल्कुल ही ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, ग्रुप स्टडी के लिए बिल्कुल ना जाएं। अगर किसी बच्चे का डाउट आ रहा है तो हाँ डाउट हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हम नॉलेजेबल हैं, डाउट को आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, वो भी अपने रेसिडुअल टाइम का, ये मेन टाइम का ना दें, क्योंकि अभी आपका 1 घंटा आपके 1 वीक की स्टडी के बराबर है। जो भी आपने पास में 1 वीक तक स्टडी करी थी, इतना इंपॉर्टेंट है हमारा अभी का 1 घंटा, इसको मानकर चलें, इसको मान के इतना भी ना चले कि बहुत सारा पढ़ लें, अपना रेस्ट करें, प्रॉपर रेस्ट लें, 6 से 7 घंटे की नींद लें, अच्छा खासा पढ़ें। फिर बात होती है, एक मेरे पर डाउट आया था एग्जाम वन डे प्रिपरेशन। देखो दोस्तों ये होता है, हम एग्जाम दे के आते हैं 5 बजे तक हम घर पे, मतलब 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, 6-7 बजे तक घर आ जाते हैं, हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, या फिर एग्जामिनेटर सेंटर दूर होता है तो कोई बात नहीं, 4 घंटे तो मिनिमम उस दिन पढ़े ही पढ़े, प्लस 12 घंटे पढ़े नेक्स्ट डे, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम यू कैन बी जितना आपको सही लगे, और नेक्स्ट डे जिस दिन एग्जाम है उस दिन 6 घंटे की पढ़ाई दे, मतलब एक एग्जाम के लिए 22 घंटे का तुम्हें देना ही देना है आउटपुट। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन इसको 30 से ज्यादा ना बढ़ाएं। अगर किसी पेपर में 2 दिन की छुट्टी है, जैसे कि इस बार लॉ में 2 दिन की छुट्टी है, तो कोई बात नहीं, उसको बढ़ा सकते हैं, प्लस 12 और कर लो, 34 आवर्स दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी तरह मैं कहना चाहता हूं पढ़ें। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी बुक्स लेके बैठे हैं और बस बैठे रहे हैं और बस बैठे रहे हैं कि भाई एग्जाम जब आएगा देख लेंगे, नहीं। हार्डवर्क का मतलब है डेडिकेटली पढ़ें। जो भी आपने 5-6 महीनों में मेहनत करी है या फिर नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, अब मेहनत करें, अच्छी तरह मेहनत करें, अच्छे से रिवाइज करें, 1-1 घंटे को अपना अच्छा आउटपुट दें, मैं कहता हूं कम से कम 90-100% आउटपुट देने की कोशिश करें। जब मन मर रहा हो कि नहीं यार अभी मूड नहीं है, कोई बात नहीं, तब 60-70% आउटपुट देने की कोशिश करें। इसी रियल सेंस में हार्डवर्क बोला जाता है, ये मैंने कहीं बुक में पढ़ा था, कोई बात नहीं। एक और मेरे को FAQ मिला, बहुत कॉमेडी FAQ मिला, ब्रेकअप। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम होती है इस टाइम पर, कई बच्चे होते हैं सर ब्रेकअप हो गया, नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे दूं क्या। इसके लिए मैं एक मोटिवेशन बात करना चाहूंगा, जो मैंने आपको बात करी थी हर जगह से मोटिवेशन निकालो। अब आप कहोगे सर इसमें क्या मोटिवेशन, सर उस बच्चे का ब्रेकअप हो गया, भाई का ब्रेकअप हुआ है, कहां से मोटिवेशन। देखो बच्चों बहुत इजी है मोटिवेशन इन द सेंस, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरा एक फ्रेंड था जिसने अभी मई 17 में फाइनल का पेपर नहीं दिया,
मैंने कहा भाई तूने फाइनल का पेपर नहीं दिया? कहता भाई ब्रेकअप हो गया था, दिल टूट गया था भाई का, कैसे फोकस ही नहीं लग रहा था एग्जाम में। मैंने कहा ओके, अब नवंबर 17 का पेपर। मैंने कहा भाई नवंबर 17 क्यों नहीं दे रहा? कह रहा भाई नई बंदी पट गई यार, मैं उसके साथ बहुत बिजी हूँ यार, नेक्स्ट में 18 पक्का दूंगा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू, बस पोस्टपोन कर रहा है। तो ब्रेकअप से ना डरे, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है इवन ये देखें कि बस ये बस एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, अपने फैमिली से डिस्कस करें, अपने मॉम से डिस्कस करें, अपने फादर से डिस्कस करें। अगर उनसे डिस्कस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभी इस एग्जाम टाइम पे पैनिक ना लें, खुल के पढ़ें। और जितने भी बात हुई है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स यार कुछ नहीं होती, उनका नजरिया बदलो। ऐसे भी कई लोग हैं जो परेशान है कि हाँ मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। इस टाइम पे प्लीज ये चीजें ना करें, अपना इस वक्त बस पढ़ाई 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 करें। थोड़ा सा भी मन में आ रहा है कि नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो कोई बात नहीं, लाइफ में लोगों के साथ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस नजरिया होता है देखने का। एक मोटिवेशन ये ले सकते हैं, मेरे से ही ले सकते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने अपने कॉलेज में खुद ब्रेकअप किया था एक गर्ल से, जस्ट बिकॉज टू फोकस ऑन माई ओन करियर। मुझे पता चल गया था कि शी इज नॉट माई ट्रू लव, और जो भी लव होता है लाइफ में वो तभी फील होता है जब मतलब तुम्हारे जो गोल्स हो, तुम्हारे प्लान्स हो, उसमें तुम्हें हेल्प मिल रही हो। अगर तुम्हें यानी गोल्स या प्लान्स में तुम्हारा कोई साथ ना दे पा रहा हो तो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग क्या साथ देगा। सो अभी जो ये लव है, ट्रू लव है, जो तुम्हें लगता है सोलमेट है, प्लीज इस पर ध्यान ना दें। दूसरी बात आई, कई लोग कहते हैं यार मेरे तो गेस्ट आ रहे हैं। यार गेस्ट आ रहे हैं कोई बात नहीं, अपना सेपरेट रूम पकड़ो। इसमें भी मेरे पास एक मोटिवेशन है, मेरे नेबर में ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर रहते हैं, उन्होंने बताया मुझे कि उनके यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम था, उनका एक छोटा सा घर था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो रात को उठ उठ के पढ़ा करते थे बिल्कुल शांत नेचर में। तो ये गेस्ट आना, ये सब कुछ बस प्रॉब्लम्स है, इनका नजरिया बदलो। बाकी है सर मैं बहुत मूडी हूँ, मैं तभी पढ़ता हूँ जब मेरा मूड होता है। सर फिर आप भी सीए तभी करना जब आपका मन करेगा, अभी आप सीए मत करिए। और एक बच्चे का है नो मोबाइल फोन। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में मोबाइल फोन को अवॉइड करने की कोशिश करें। ओ सर ये क्या कह दिया, मोबाइल फोन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सर व्हाट्सएप का क्या, फेसबुक का क्या? देखो बच्चों व्हाट्सएप फेसबुक जहां तक बात हो गई, किसी का पर्सनल मैसेज आ रहा है इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम पे देखें जब आपका रेसिडुअल टाइम है। पूरे दिन उसको देखने मत बैठ जाएं, किसका मैसेज आया, किसी का डाउट आया, चलो मैं ही सॉल्व करूंगा, मैं ही टीचर बनूंगा। नो, अपना रेसिडुअल टाइम उसे दे, मोबाइल को हाथ ना लगाएं इस टाइम, फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इवन तुम्हारी कॉल्स भी तुम अटेंड मत करो, मैं तो कहता हूँ इवन कभी भी कोई मिस कॉल हो तो अपने रेसिडुअल टाइम में उसको कॉल कर लिया फ्रेंड को, बस इतना ही होता है। और जहां तक बात रही मोबाइल की, अब आप कहोगे यूट्यूब फेसबुक ये कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल इसके लिए याद रखें, रिवर वाला, ये रिवर वाला एग्जांपल बहुत फेमस है कि अगर आप कभी रिवर में डूब रहे हो, हमेशा याद रखिए कभी भी आप रिवर में डूब रहे हो तो उस वक्त आपके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज सांस लेना, दैट इज कि कोई आपको बचा ले, किनारे तक ले जाए। उस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि यार चलो 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 मेरे को तो व्हाट्सएप चेक करना था, फेसबुक चेक करना था, मेरे को तो यूट्यूब पे वीडियो देखना था, नहीं होता ना रिवर में डूबते हुए। तो ये भी आपके एग्जाम्स हैं, इसमें एक एक घंटा एक एक मिनट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं, चलो ये सारा हो गया जितना भी मोटिवेशन एंड ये था FAQs, बाकी अपना रिलैक्स होके जाए पेपर में, कुछ भी नहीं है ये एग्जाम, तो सच बताऊं कुछ भी नहीं है। सीए इज नॉट टफ, सीए इज नॉट टफ, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके एग्जाम के बाद, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और एग्जाम के बाद हम हो सकता है कि जीएसटी के साथ भी शुरुआत करें और मैं कुछ वीडियोस ग्रुप वन और ग्रुप टू की और डालूं। बाकी बात करते हैं ग्रुप वन वालों की, अब स्पेशली बस ग्रुप वन वालों की बात होगी या फिर बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं। देखिए आपके पास आज का दिन, जितना भी अभी आप वीडियो के बाद देख रहे हैं, प्लीज लग जाएं पढ़ने में, आज के बाद आपके पास 4 दिन बचे हैं, बस 4 दिन। इसमें से 2 आप एक्सक्लूसिवली बस अकाउंट्स को दे सकते हैं, अगर आपके अकाउंट्स की बहुत अच्छी तरह तैयारी हो चुकी है तो। बाकी 2 दिन आप दे सकते हैं टैक्स और कॉस्ट को, टैक्स और कॉस्ट जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे वैसे पढ़े, जो जो चैप्टर्स इस वक्त अच्छा होगा आप बड़े चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से उठा ले, छोटे चैप्टर्स आप एग्जाम टाइम में भी पढ़ सकते हैं या फिर अभी भी पढ़ सकते हैं, इन बड़े चैप्टर्स की वेटेज अभी ज्यादा रखें। साथ में अपना लॉ साथ में अच्छी तरह करते रहें, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ में इस बार 2 छुट्टियां भी मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉ को भी अभी टाइम जरूर दें, अभी भी लॉ को करते रहें, उन छुट्टियों में भी 2 दिन छुट्टियों में लॉ को अच्छी तरह दें।
इन 2 दिन का आउटपुट निकालें। अगर आपके अकाउंट्स अच्छी तरह तैयार नहीं हुई तो मेरे लिए एक और प्लान है। सेकंड प्लान ये कहता है कि अभी से जो 4 दिन है कल से अकाउंट्स को स्टार्ट कर दें। अकाउंट्स के पहले दिन अकाउंट्स के बड़े चैप्टर्स कर लिए, जैसे एमलगमेशन, पार्टनरशिप, एनपीओ, सिंगल एंट्री, ऐसे चैप्टर्स। सेकंड डे अकाउंट्स के वो चैप्टर्स कर लिए जो कि छोटे छोटे हैं, जैसे कि एवरेज ड्यू डेट, ये बाकी के छोटे चैप्टर्स कर लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, और साथ में लॉ आप पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक एक चैप्टर डीटी आईडीटी या फिर इसका कॉस्ट एफएम का उठा सकते हैं। बाकी जो 2 दिन अकाउंट्स के लिए हो गए ये फिर आप एक्सक्लूसिवली फॉर अकाउंट्स दे सकते हैं, जैसे कि पेपर सॉल्व करना हो गया, रिवीजन हो गई, आरटीपी सॉल्व करना हो गया, पेपर्स इन द सेंस सजेस्टेड पेपर्स जो होते हैं। तो अपना अकाउंट्स को बेस्ट दें और जितना हो सकता है इन 4 दिनों में कम से कम अपना लॉ का ये मेक श्योर कर लें कि एथिक्स और कम्युनिकेशन अगर कर सकते हो तो जरूर कर लें, क्योंकि एथिक्स और कॉम कम से कम 40 मार्क्स का होता है और इस 40 मार्क्स को तो श्योर कर ही ले। बाकी बस यही कहूंगा दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ग्रुप 1 वाले। अब बात करते हैं हम ग्रुप 2 की। मेरे पास एक मेल आया था किसी गर्ल का कि ग्रुप 2 में सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 40% कवरेज है, नहीं कमेंट आया था सॉरी, 40% कवरेज है एंड बेस्ट तरीके से कैसे करें। देखो ये वीडियो सबके लिए है जिनकी 40% कवरेज है, 50% कवरेज है, 60% कवरेज है, या इवन अभी तक कोई कवरेज ही नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। चलो छोड़ो, 40% कवरेज है तब भी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 2 वाले जो बस ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो सुनिए, आपके शायद एग्जाम 11 से या फिर 12 से हैं, आई थिंक 11 नवंबर आपकी डेट है। 11 नवंबर अगर आपके एग्जाम हैं तो आप कम से कम 10 या 9 तारीख तो आप पहले एग्जाम को ही दे देंगे एडवांस अकाउंटिंग। उससे पहले के 8 दिन और अभी के 3 दिन बनते हैं 11 दिन। 11 दिन आप एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे बस ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में है 3 सब्जेक्ट्स, तो पहले दें आप एडवांस अकाउंटिंग को। एडवांस अकाउंटिंग को आप 3 दिन दे सकते हैं, फिर जो भी आपके ITSM या ऑडिट है उनको आप 4-4 दिन दे सकते हैं। सर इन दिनों में करना क्या है, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 3 दिन जब आप एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले दिन 1 दिन में पूरा एडवांस अकाउंटिंग खत्म कर दें, अपने नोट्स से, आपके जितने भी नोट्स हैं, आपके जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, सबसे खत्म कर दें। दूसरे पेपर में मतलब दूसरे दिन और तीसरे दिन कम से कम 4 से 8 अटेम्प्ट जो पिछले हैं उनको प्लीज पढ़ के जाएं 100%, उसकी एक क्वेश्चन तक ना छोड़े। ये बहुत बड़ा रूल है जो आपको मे भी पता नहीं टीचर्स बताते हैं कि नहीं बताते, सच में ये बहुत बड़ा रूल है। 4 से 8 पेपर्स करके जाएं, ये ग्रुप 2 की मैं बात कर रहा हूं। और फिर बात आती है ITSM और ऑडिट की। 4 दिन होंगे आपके पास, उसमें 1 या 2 दिन में, इवन आप 2 दिन लें, 2 दिन में अपने नोट से कंप्लीट कीजिए, और 2 दिन में कम से कम 6 से 8 पेपर्स तो करके ही जाइए 100% श्योर वाले। ये ना हो कि उसमें कोई नया टॉपिक हो कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं उसको भी पढ़ के जाइए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे, इस वक्त में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपका फ्रेंड्स कोई नए नोट्स दे रहा है, कुछ भी नई न्यू थिंग दे रहा है, आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन इस पेपर्स में जो 4 से 8 पेपर्स हैं या 6 से 8 पेपर्स हैं, इसमें कोई भी नई चीज मिल रही है, इसको जरूर 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 लर्न करके जाएंगे। बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ग्रुप 2, बहुत ईजिली ऐसे ही कवर हो जाएगा। और ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जाके अच्छी तरह पेपर में झंडे गाड़ कर आए, जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।